इंद्रा, मैं आयुषी भंडारी आज आप सभी के सामने यत्ना के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि यत्ना क्या है। यत्ना वो है, कोई भी हम कार्य करे तो उसको विवेक के साथ करना चाहिए। यत्ना जैन धर्म का प्राण है, यत्ना जैनों का श्वास है। दशकालिक सूत्र में चौथे अध्ययन का भगवान ने एक गाथा बताई थी, वो है जयम चरे जयम चित्ते जयम आसे जयम सहे जयम भुजंतो बासंतो पाप कहमम न बंधई। तो उसका मतलब है यत्ना के साथ चलना, यत्ना के साथ बैठना, यत्ना के साथ खड़े होना, यत्ना के साथ सोना और यत्ना पूर्वक भोजन करना और बोलना, तो उससे पाप कर्म नहीं बंधेंगे। अयत्ना के साथ जीने से हम पाप कर्मों का बंध करते हैं, जीवों को हिंसा पहुंचाते हैं, जो उसका कर्म हमें ही भोगना पड़ता है। यत्ना के साथ जीने से लाभ क्या है वो अब हम देखेंगे। यत्ना के साथ जीने से जीवों की हिंसा नहीं होती है, भगवान की आज्ञा का पालन होता है और बीमारियां नहीं आती है और पैसों का भी बचत होता है। उसके बाद हम इस गाथा को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले है जयम चरे। जयम चरे यानी यत्नपूर्वक चलना। यत्नपूर्वक चलना यानी नीचे देखकर चलना, और नीचे अगर कोई भी पत्ते फूल या जीव जंतु हो तो उस पर पैर नहीं रखना। मोबाइल पे बातें करके गाड़ी नहीं चलाना और चलते समय ज़्यादा बातचीत नहीं करना। दूसरा है जयम चित्ते। जयम चित्ते यानी यत्ना के साथ बैठना। यत्ना के साथ बैठना जीव जंतु को बचा कर बैठना, और किसी के भी घर पे जाए तो रिमोट आदि गैजेट्स पर नहीं बैठना चाहिए। और शकेंद्र महाराज की आज्ञा से ऐसा बोलकर बैठना चाहिए। तीसरा है खड़े होते समय। कोई भी जो व्यक्ति जब बातें करते हो तो हमें उनके पास जाकर खड़े नहीं होना चाहिए। और जब भी हम मम्मी पापा के साथ बाजार में जाते हैं तो किसी भी चीज़ को छेड़े बिना शांति से खड़े होना चाहिए। और चलते फिरते समय हमें देखना चाहिए कि कब बीज नीचे चींटी मकोड़े बीज और या फूलन ना हो, देखकर चलना चाहिए, खड़े होना चाहिए। अगला है सोते समय। सोते समय नौका लोगस एवं खमास नेमी का पाठ बोलकर सोना चाहिए। और टीवी देखते समय नहीं सोना चाहिए, फोन में गेम खेलते खेलते नहीं सोना चाहिए, और हंसते हंसते हैप्पीली सोना चाहिए। अगर किसी की लड़ाई हो तो उन्हें सॉरी बोलकर सोना चाहिए। अगला है यत्नपूर्वक भोजन करना। घर पर बनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अगर बाहर से कोई भी पैकेट्स लाए तो उसमें ग्रीन मार्क देकर लाना चाहिए। और कभी भी वेज या नॉन वेज होटल में हमें नहीं जाना चाहिए। और किसी भी चीज़ों में नॉन वेज का पाउडर डाला हो वो देखकर लाना चाहिए। अगला है यत्नपूर्वक बोलना। किसी के भी दिल दुखे वैसे वचन नहीं बोलने चाहिए, और किसी को भी हमें गाली नहीं देनी चाहिए। बहुत जन्मों बाद हमें ये मौका मिला है तो इस मौके का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसका मिसयूज करेंगे तो अब अगले जन्म में हमें जबान नहीं मिलेगी, यानी हमारी जीभ ही नहीं होगी। तो लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोलना, गूंगे को गूंगा नहीं बोलना और अंधे को अंधा नहीं बोलना। तो अब हम इन सभी के एग्जांपल्स देखेंगे। चले चले तो बाहुबली से
बाहुबली के जैसे, और बैठे तो विजय मुनि के वज्र मुनि के जैसे, और खड़े रहे तो गज सुकुमार जैसे, और सोए तो अनक मुनि जैसे, और खाए तो अवंता मुनि जैसे, और बोले तो धन्ना मुनि जैसे। धन्यवाद।